नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास। माँ नवरात्रि की आपको सभी लोगों को, मेरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक ऐसा पाठ है, उस पाठ का, उस जाप का, उस मंत्र को आप नित्य करेंगे। सप्तमी और अष्टमी और नवमी, ये तीन दिन माता जी का पूजन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टमी और नवमी का जो संधि काल होता है, आप उस संधि काल के अंदर माता का सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कीजिए। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने का बहुत महत्व। संधि काल किसे कहते हैं? अष्टमी जब खत्म होती है और नवमी शुरू होती है, उसका जो समय होता है उससे 15 मिनट पहले और उसका जो 15 मिनट बाद का जो समय होता है वह संधि काल कहता है। जैसे एक घटी है, एक घटी 24 मिनट पहले, अर्थात नवमी की जब नवमी लगती है उसके 24 मिनट पहले और उसके 24 मिनट बाद, कुल ये 48 मिनट तक आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कीजिए। आप देखना आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके ऊपर महासंकट आ रहा है तो 7 बार इस पाठ को कीजिए। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आपको संस्कृत में पाठ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। गलत उच्चारण आप बिल्कुल भी नहीं करें। माता का दीपक जलाकर आप माता की पूजा कीजिए और अष्टमी और नवमी के संधि काल के अंदर आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये बहुत गोपनीय बात है। जो वाराही मंत्र, जो वाराही ग्रंथ है, उसमें भी इस बात का वर्णन दिया हुआ है। यदि आप माँ देवी का कवच नहीं कर सकते हैं तो आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कीजिए। यह बड़ा चमत्कारिक पाठ है। इस पाठ को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, शत्रुओं का विनाश होता है, साथ में जो रोग है तो रोग भी आपके कट जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि का सबसे बेस्ट समय माना जाता है दोस्तों। नवरात्रि 9 दिनों के अंदर ये जो अष्टमी और नवमी के बीच का संधि काल है, ये सबसे सुपर बेस्ट माना जाता है। ये इस काल को आप बिल्कुल भी छोड़ना मत। ये आप 48 मिनट जो आपके है, इस 48 मिनट में आप पाठ करना शुरू कर दीजिए और आप अपनी मनोकामना के लिए संकल्प ले। मैं हमेशा पिछले वीडियो में कहा था कि आप संकल्प लेके कोई भी पाठ शुरू करें, आप संकल्प छोड़ के और वो पाठ कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों कहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि के अंदर। लेकिन सबसे बेस्ट मैंने बताया आपको, जो समय बताया आप उस समय पर ये काम कीजिए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, आपको नई नई वीडियो मिलते रहेंगे और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।